हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसी यूरोपियन ट्रैवलर्स। मैं करिश्मा रहती हूँ नीदरलैंड्स में और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं आज आई हूँ एम्स्टर्डम बोस फिर से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने अगर मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि एम्स्टर्डम बोस के बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं। तो जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, अभी है चेरी ब्लॉसम का सीज़न, तो दिख रहा है आपको इतनी भीड़ है पीछे और बहुत काफ़ी सारे लोग आए हैं। तो ये चेरी ब्लॉसम का सीज़न सिर्फ 15 दिन का रहता है, तो मार्च के कुछ लास्ट वीक और जनवरी की कुछ पहले वीक, मतलब ऑलमोस्ट 15 डेज ही ये चेरी ब्लॉसम्स रहते हैं। तो वाइट और पिंकिश कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। तो ये सिर्फ 15 डेज रहते हैं और यहाँ इसको देखने के लिए सारी जगह से टूरिस्ट आते हैं। जैसे दिख रहा होगा आपको बहुत भीड़ है, मैं आगे चल के आपको और भी दिखाती हूँ। तो इतनी भीड़ है यहाँ पर और सब लोग चेरी ब्लॉसम देखने आए हैं। तो चेरी ब्लॉसम यहाँ पे देखने के लिए सब लोग आए हैं। तो अभी जैसे हमने पार्क किया गाड़ी, और पार्किंग से ये बहुत ही पास में है, मतलब एटलीस्ट आपको 15 to 20 मिनट्स चलना पड़ेगा। 15 to 20 मिनट्स का बस वॉक है, देन फिर आपको इतना ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाती हूँ अभी। तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत हैप्पी वाली फीलिंग है। और आज नीदरलैंड्स में इतना प्यारा वेदर हो गया, जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ है तब से सन इतना ज़्यादा आ रहा है कि मतलब बस बहुत गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। स्प्रिंग ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और इसीलिए ब्लूम्स भी बहुत जल्दी आ गए हैं, वरना थोड़ा लेट आते हैं। और डिपेंडिंग ऑन वेदर, अगर वेदर अच्छा रहा तो ब्लूम्स हो सकता है 15 से ज़्यादा दिन भी रह सकते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 वीक से भी ज़्यादा रह सकते हैं। अगर बारिश आई अगर तो पत्ते झड़ने लग जाते हैं, मतलब फूलों के जो पंखुड़ियाँ होती है वो झड़ने लग जाती है। तो अभी तो वेदर बहुत अच्छा है और अभी चेरी ब्लॉसम इन्जॉय करते हैं। तो मेरे साथ चलो अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ चेरी ब्लॉसम। तो आपको मेरे पीछे ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे मतलब ऐसे लाइन से पार्किंग से यहाँ तक लाइन से ऐसे बोर्ड्स बने हुए हैं जिसमें लिखा है ब्लॉसम पार्क। तो आप साइन डायरेक्शन है एक्चुअली ये, तो इससे आप इसको फॉलो कर सकते हो। चेरी ब्लॉसम का व्यू आपको देख के पता चल ही गया होगा कि अभी कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। तो अभी थोड़ी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 400 चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ है। तो ईयर 2000 में जापनीज वुमेन क्लब ने यहाँ पे 400 ट्रीज़ यहाँ पे डोनेट किए थे, जिनमें से 200 जो ट्रीज़ हैं उनके नाम है जैपनीज वीमेन के इस पे, और 200 जो बाकी रिमेनिंग है उस पे डच वीमेंस के नाम है। तो दिख रहा है पीछे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, और सब लोग बढ़िया से चटाई डाल के यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टोरीज भी बना रहे हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे पिकनिक के जैसा फील आता है आपको, और एक आउटिंग सी हो जाती है। एटलीस्ट आप थोड़ा यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, पीछे चटाई डाल के आप अपना लंच कर सकते हो और बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हो। बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए बहुत मज़ा आता है,
और एक लाइन से ऐसे राउंड में ऐसे पेड़ बने हुए हैं और बीच में जो है वो खाली जगह है, बाकी पूरा ऐसे गोल ऐसे वहाँ पे राउंड बना है और नीचे नीचे वहाँ पे एक ऐसे नाम के नेम प्लेट जैसा भी बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, और जैसे दिख रहा है पीछे कितना लोग इंजॉय कर रहे हैं, चटाई डाल के बढ़िया से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। तो एक बहुत अच्छा नज़ारा बन जाता है यहाँ पे, और गेट टुगेदर करने के लिए मतलब फ्रेंड्स के साथ थोड़ा चिटचैट करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। कभी आते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही ब्यूटीफुल नज़ारे के लिए और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और चलते हैं थोड़ा आगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि और कैसा नज़ारा बना हुआ है यहाँ पे। अभी शाम के 4 बज रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी जब हम आए तभी भी काफ़ी सारे लोग आ रहे थे और जा रहे थे, बट अभी शाम के 4 बज रहे हैं, हम लोग आए थे ऑलमोस्ट 1:30 बजे, तभी भी काफ़ी सारे लोग आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा समय लगे, तो ऐसे लाइन से यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे स्टॉल लगे हैं, आइसक्रीम, पानी का बॉटल, कुछ ठंडा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये था आज का मेरा चेरी ब्लॉसम का वीडियो, छोटा सा, कुछ ज़्यादा वहाँ पे दिखाने के लिए था नहीं, बस चारों तरफ बहुत ब्यूटीफुल से ऐसे पेड़ है, बस आप उससे का व्यू इन्जॉय कर सकते हो। बाकी बैठो, थोड़ा रिलैक्स करो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कुछ स्टोरीज़ डालती रहती हूँ। आई होप वो अभी आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।